भाजपा ने संगठनात्मक चुनाव के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है। ये टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होना है। सदस्यता अभियान के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होंगे। राज्यों में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वहीं 50% राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होगी। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नामांकन की तिथि और मतदान की तारीख का ऐलान होगा। यदि एक ही नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया तो उसे चुनाव अधिकारी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देता है। के लक्ष्मण के साथ सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है।